अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं वीडियो के शुरू में ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, डायरेक्ट ही वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं पोट्री, जिसमें कि मैंने मिट्टी ली है और उसे बारीक करके पीस लिया है। उसमें पानी मिक्स किया, उसके बाद आटे की तरह गूंद कर बना लिया है, पीट पीट कर पतला कर लिया है। और अब हम बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नीचे का नीचे की उसकी तली या बेस बनाएंगे, जिस पर हम पॉट को खड़ा करेंगे। तो उसके लिए एक स्टील की स्केल का यूज़ किया जा रहा है, ताकि हम उसको फ्लैट कर सकें, चिकना कर सकें। और एक कटर भी हम यूज़ करेंगे उसमें, जिससे कि हम उसको गोल बना सकें। इसको एक सर्कल लेना है, कहीं से भी मोटा या पतला नहीं रहना चाहिए। तो गाइस ऐसे ही आपको भी करना है, तो आप भी बना सकते हैं बोट। इसको हाथ से पीट पीट कर हम इकसार कर लेंगे, और फिर बाद में स्केल से इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे, ताकि हम ये बनाने में परेशानी ना हो और ये चटके नहीं मिट्टी। उसको बार बार पानी से धोते रहेंगे, ताकि मिट्टी स्केल पर ना चिपके, और बाद में उसको स्केल रखकर कटर से काट लेंगे। उसके बाद में हम इस पर थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं, और ये हम बनाते रहेंगे ऐसे ही। स्लेब बना बना कर हम मिट्टी के एक साइड में रखते रहेंगे, ताकि हम बाद में एक बार ही इसको लगा सकें, जोड़ सकें। तो इसके लिए हमें एक पानी का मिट्टी का घोला बनाना होगा, जो कि ग्लू का काम करेगा। उसको साइड से काट काट कर उस पर घोला लगाना होगा, और इस पर भी घोला लगाना होगा स्लेब पर। और हम ब्रश का भी यूज़ कर रहे हैं घोला लगाने के लिए, या ग्लू भी कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर देखो, हम फिर से इसको लगा रहे हैं ऐसे ही। इधर साइड में भी ऐसे घोला लगाकर इसको मिलाना होगा, ताकि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखे कि हमने कुछ इसमें जैसे चटका हुआ दिखे। बाद में ये ऐसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल नया जैसा, बिल्कुल भी फटेगा नहीं ये। तो हम काट काट कर इसको ऐसे ही लगाते रहेंगे, ताकि हम गोल बना सकें इसको बिल्कुल। गाइस इसको ऐसे कर कर जोड़ना है, उससे बाद में बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि हमने ये जोड़ कर बनाया है। इसको थोड़ा गोल कर लेंगे, क्योंकि हमें ऊपर से गोल कर कर बनाना है। हम इसके अंदर से भी इसको इकसार करते रहेंगे, ताकि ये अंदर से टेढ़ा मेढ़ा ना हो। फिर से हम दूसरी लेयर लगाने वाले हैं इस पर। तो स्केल का यूज़ भी काफ़ी हद तक होता है इसमें। अगर आपको बड़ा पोट बनाना है, तो उसमें कागज भरने होंगे, ताकि वो बिछके नहीं या गिरे नहीं। देख सकते हैं आप, बिल्कुल मर्ज कर दिया है हमने इसको, ये दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी, अलग अलग फटा हुआ। इसको काट काट कर ही स्केल से या कटर से काट काट कर ही इस पर ग्लू लगाएंगे आप। और ग्लू भी ये हमने मिट्टी का ही बनाया हुआ है। तो ऐसे ही जोड़ना है। अगर हम इस पर ग्लू नहीं लगाएंगे, तो ये अच्छे से जुड़ेगा नहीं और ये फट जाएगा बाद में। मैंने एक और पोट बना रखा है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देखकर सीख सकते हैं। वो इससे भी अच्छा बनाया है। आपको जिस तरह का भी ये बनाना है, जिस टाइप का भी, तो आप बना सकते हैं। मैं इसका एक
कुंदा बनाता हूँ पकड़ने का। मैंने ये बनाया है पौधों को पानी जो जिससे दिया जाता है, उस टाइप का मैंने कुछ ये बनाया है। इसकी ये आगे की टोंटी या नलकी के लिए मैंने बीच में सरिये के ऊपर मिट्टी लगाकर मैंने ये गोल बनाया है। हर कहीं आपको ग्लू का यूज़ करना होगा ताकि वो बाद में फटे नहीं। तो गाइस उसके बाद हमें इस पर पानी लगाना होगा जिससे कि ये एकदम नया जैसा लगे और कोई भी इसमें धब्बा या दाग नहीं दिखाई दे। तो गाइस ये हमारा तैयार हो गया है, देख सकते हैं, आप भी बना सकते हैं ऐसा।